जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सबको पता है कि अग्निवीर का जो आपने फॉर्म भरा था आर्मी जीडी का, उसके फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि फॉर्म इस एडमिट कार्ड को आप कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और उसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको रैली साइड में, जहां पर आपकी रैली भर्ती आयोजित की जा रही है, वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो प्यारे बच्चों, बने रहेंगे वीडियो में, हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को, और एक एक क्लू को अच्छे से समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाएं और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको वहां से बाहर कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पे बने रहेंगे और फोकस करेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और उसको रेडी करके ही आपको वहां पर पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं तो आप देखते हैं यहां पर आपके सामने है, गूगल खुल के आता है। हम यहां पर क्या करेंगे, अपने गूगल को खोलेंगे और गूगल बाबा यहां पर खुलकर आते हैं। यहां पर डालेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या डालेंगे? ज्वाइन इंडियन आर्मी। आपको बता दें कि आपके ईमेल आईडी, जो भी आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाला होगा, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू भी आप वहां पर लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप गूगल पे जाइएगा, अपने विंडो के प्रेस को दबाइए, गूगल खोलिए और ज्वाइन इंडियन आर्मी यहाँ पर टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद आप देख रहे हैं पहला लिख के आया ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप जिस ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट को खोलने के लिए आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। तो कैप्चा डालेंगे तो यहाँ लिखा है कैपिटल लेटर में सारे शब्द लिखे हैं, तो मैंने लिख दिया SK6WAR, मेरा ये कैप्चा है और मैंने इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया तो मेरी ये वेबसाइट खुलकर आ गई। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ये joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑफिसर सिलेक्शंस का। तो ऑफिसर सिलेक्शंस में आपको नहीं जाना है और ना ही यहाँ पर ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन करना है। यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं हमको करना क्या है, हमको आना है जूनियर कमीशन अफसर पे, मतलब JCO रैंक वाले पे, OR एनरोलमेंट पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए लिखा है JCO अप्लाई लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे भी आपको ऐसे मेंशन करके मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आएगा, आपको समझिएगा ये पेज आपका खुलकर आएगा। और आपको करना क्या है बेटा, उपयोगकर्ता नाम, उपयोगकर्ता यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर दिया गया है कि पंजीकृत ईमेल आईडी आपका उपयोगकर्ता नाम है, मतलब आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी उस समय, जो बनाई होगी, वही ईमेल आईडी आपका अपना नाम है, वही आपको यहाँ पर डालना है। अब आपने पासवर्ड जो समय बनाया था वो पासवर्ड को यहाँ पर डालना है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, सेव कर रखा है, इसलिए मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप में नहीं शो करना करेगा, आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है ऑप्शन कैप्चा का। तो ये कैप्चा क्या होता है, कैप्चा ये है जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और जो लिखे हुए स्क्रीन को इस बॉक्स में टाइप करना है। जैसे इस कैप्चा का नाम 6XAALF, ये आपका कैप्चा है। नीचे लिखा है कि अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा। अगर नहीं भूले हैं और अगर आप अपना यूजर आई डी नेम भूल गए हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा डाला और लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लॉगिन कर दिया। देखा बेटा, जैसा मैंने लॉगिन किया तो कह रहा है कैप्चा इनवैलिड है। चलिए इनवैलिड कैप्चा है तो मैं फिर से इसको अप्लाई करता हूँ और फिर से ध्यान देता हूँ कि अगर कैप्चा गलत होगा तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और मैंने ये कैप्चा अपडेट कर दिया और फिर से लॉगिन कर दिया। और देख रहे हैं जैसे मैंने लॉगिन किया मेरी प्रोफाइल खुलकर मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल खुल गई, माय प्रोफाइल पे गया, मैं देख लेता हूँ मेरा है कि नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा ही प्रोफाइल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफाइल अप्लाई ऑनलाइन हिस्ट्री ऑफ अप्लीकेशन चेंज पासवर्ड एडमिट कार्ड एफिडेविट, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है। एफिडेविट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, एफिडेविट यहाँ पर मांगा गया है। चलिए एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। और एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रोल नंबर आपका, ये रोल नंबर है, ठीक है, ये रोल नंबर है आपका, ये दिख रहे होंगे आप। और उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी की बात करते हैं तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए कैटेगरी आ गया है। रणबांकुरे स्टेडियम है वाराणसी में, इनका सेंटर वाराणसी गया है फिजिकल के लिए। और इनका जो फिजिकल है 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 नवंबर से, और 6 दिसंबर तक इनका फिजिकल चलेगा, ठीक है। तो अब मुझे इस एडमिट कार्ड को मुझे अपने डाउनलोड करना है, तो मैं इस प्रिंट पे गया और एडमिट कार्ड में देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा ये पूरा एडमिट कार्ड खुलकर आ गया है। अब मुझे करना क्या है, नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैंने इसको अलग से कलर कर दिया, लिखा है डाउनलोड टू टैप ओपन PDF। इसमें लिखा पासवर्ड इज योर ईमेल इन लोअर केस, मतलब आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका पासवर्ड है। चलिए इसको हम जब डाउनलोड करते हैं तो ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। हमने इसको डाउनलोड किया और मेरे कंप्यूटर ने क्या किया, इसको स्कैन कर लिया, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। अब हमें तो पासवर्ड पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि आपका ईमेल आईडी है वो भी लोअर केस में डालना है। चलिए देख रहे हैं आप, ये लिखा है पासवर्ड, द डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज इंटर अ
पासवर्ड। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड था, मैंने इस पासवर्ड को अपना कॉपी किया, या आपके पास है तो आपने उसको टाइप किया यहाँ पर, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने सबमिट कर दिया और मेरा ये एडमिट कार्ड ओपन होके आगे आप देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड मेरा ओपन हो चुका है। मतलब इसमें लिखा है एडमिट कार्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द रिक्रूटिंग। ठीक है, ये मेरा खुलकर आ गया, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस वाराणसी है, वाराणसी मेरा सेंटर है। पासपोर्ट साइज आपका करना है और यहाँ पर एक फोटो लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। और इसमें अब मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है वहाँ पर लेके जाना है वाराणसी में। तो यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द रैली साइट। तो रैली साइट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, आपका जो अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है ऑनलाइन निकाला है उसका आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। यहाँ पर कह रहा है ओरिजिनल एसएससी मतलब 10th और 12th के आपको सर्टिफिकेट अपने लेके जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है 10th और 12th की। ठीक है, और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगर कोई टीसी है स्कूल का या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है तो उसको आप वहाँ पर स्कूल या कॉलेज का लेकर जा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है जो कि इशूड सिग्नेचर अथॉरिटी होनी चाहिए, और या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेटिविटी होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी है तो ऑथराइज्ड सिग्नेचर और सिग्नेटरी होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर लेके पहुँचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड आपका मैंडेटरी, आधार कार्ड इज द आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये सब आपको लेके जाना है, आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेके जाना है। अगला ऑप्शन कह रहा है मिनिमम 15 कॉपीज लेट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। भैया ध्यान देना है, कम से कम 15 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, वो भी 5x4 सेंटीमीटर की साइज पे। ध्यान दें, इंडियन आर्मी बहुत सारी बारीकियों को देखती है, तो आपको ये ध्यान देना है बेटा कि 5x4 की फोटो साइज वही होना चाहिए, और कम से कम 15 कॉपी, तो आप 20-25 कॉपी आप रख लेंगे निकलवा के। फ्रॉम द सेम नेटिव नेगेटिव डिफरेंट, तो सेम नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से कह रहा है कि डिफरेंट कंप्यूटराइज फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दूसरे कंप्यूटर का अगर आपने फोटोग्राफ लिया होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। फोटोग्राफ शुड नॉट बी अटेस्टेड, अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, कोई मोहर नहीं लगी होनी चाहिए फोटो में। फोटोग्राफ विद द सनग्लासेस एंड कैप विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आपने टोपी लगाई है और चश्मा लगाया हुआ है तो आपकी फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और कहा है कि फेस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड द शोइंग ऑफ द बोथ ईयर, दोनों कान आपके आपके चेहरों के साथ आपके दोनों कान अच्छे से दिख रहे होने चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास से कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं, उससे आपको कुछ छूट मिलेगा। एंड एफिडेविट एज द पर द फॉर्मेट, आपको पता है कि जैसे मैंने आपका ये देखेंगे, ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर ओपन किया था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, देखिए एफिडेविट का, आप इस पर क्लिक करके एफिडेविट भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा प्लीज टेक अ गुड क्वालिटी लेजर प्रिंटर प्रिंट ऑन द ब्लैकआउट। ठीक है, आपको इसका कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का नहीं निकालना है, लेजर प्रिंट आउट निकालना है। डू नॉट प्रिंट विल बी टेकन, नो कलर प्रिंट आउट विल बी टेकन। ठीक है, कोई कलर प्रिंट आउट मत निकालिएगा। नीचे लिखा है डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड, किसी भी प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को आप मोड़ेंगे नहीं। ये रहा आपका एडमिट कार्ड और ये रहा आपका इंस्ट्रक्शंस। तो प्यारे बच्चों, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, जितेंद्र सर की तरफ से, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे और अपने परिवार में एक खुशी की लहर पैदा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम। हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अग्निपथ स्कीम, योर चांस टू वेयर मिलिट्री यूनिफॉर्म। एडमिशंस ओपन फॉर NDA, CDS, FCAT, CAPF, अग्निवीर, SSB इंटरव्यू, फिजिकल ट्रेनिंग। विजिट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज, और कॉल 9415402422।